पांचों शहरों के अंदर जो भी जमीन अधिग्रहण की जाएगी उस जमीन के रेट भी मानक रेट के अनुसार तय किए जाएंगे। मिनिमम से मिनिमम बात करें तो प्रति एकड़ 80 लाख रुपए से लेकर के 4 करोड़ प्रति एकड़ तक के रेट पंचग्राम नीति के तहत डेवलप होने वाले इन शहरों में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को दिए जा सकते हैं। हरियाणा में पंचग्राम नीति के तहत डेवलप किए जाने वाले 5 नए शहरों में यानी कि केएमपी के साथ साथ में हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी भूमि, जितने भी जिले लगते हैं उन सभी में बहुत जल्द ड्रोन सर्वे शुरू होने वाला है। अगर इस ड्रोन सर्वे की बात की जाए तो इसे हरियाणा के सोनीपत, खरखोदा, बहादुरगढ़, सापला, बादली, झज्जर और गुरुग्राम, फरुखनगर, पलवल और फरीदाबाद के अलग अलग हिस्सों में जल्द ही कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बसने वाले 5 नए शहरों को लेकर ड्रोन सर्वे शुरू किया जाने वाला है। अगर ड्रोन सर्वे की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने दोबारा से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स पर तेजी लाने के लिए ड्रोन सर्वे का काम शुरू करने की बात बोली है। एक अधिकारी से हमारी बात हुई थी जो कि टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि ड्रोन सर्वे को यहाँ पर काफ़ी जल्द दोबारा शुरू किया जा सकता है। अगर इन 5 शहरों की बुनियाद की बात करें तो पहला शहर सोनीपत से बहादुरगढ़, दूसरा बहादुरगढ़ बादली, तीसरा फरुखनगर बादली, चौथा गुरुग्राम और पांचवा फरीदाबाद की पलवल के इलाके में देखने को मिलेगा। इन 5 शहरों को डेवलप करके हरियाणा सरकार दिल्ली एनसीआर में बढ़ने वाली आबादी को कंट्रोल करने का काम करना चाहती है। और जिस प्रकार पांडवकालीन या महाभारतकालीन शहरों के या गाँव के जो नाम होते थे जिनमें सोनप्रस्थ इस इत्यादि टाइप के जो नाम होते थे या जो महायोद्धाओं के नाम होते थे जैसे अर्जुन, भीम इत्यादि के जो नामों के आधार पर ही पंचग्राम नीति के तहत डेवलप होने वाले इन शहरों के नाम रखे जाएंगे। और इन शहरों में लगभग आने वाली 40 से 41 लाख की आबादी को कंट्रोल करने का भी काम करेंगे। इन शहरों के अंदर कम से कम 50,000 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण का काम किया जाएगा। और सबसे पहले इन शहरों के डेवलपमेंट को अलग अलग शहरी मास्टर प्लान के आधार पर तैयार करने का काम किया जाएगा। यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के तहत में बनने वाले जो पहला शहर होगा सोनीपत से बहादुरगढ़ के मध्य, उसी के अंदर खरखोदा, आईएमटी, मारुति प्लांट जैसे खरखोदा मास्टर प्लान, सापला मास्टर प्लान, बहादुरगढ़ और सोनीपत मास्टर प्लान सिटी नंबर 1 के अंदर ही शामिल होंगे। इसके अलावा सिटी नंबर 2 बादली और बहादुरगढ़ मास्टर प्लान का काफ़ी बड़ा हिस्सा शामिल किया जाएगा। तीसरे प्लान के अंदर फरुखनगर, गुड़गांव के हिस्से और चौथे के अंदर गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ हिस्से और पांचवा जो शहर होगा उसमें पलवल और फरीदाबाद के हिस्सों को शामिल करके इन 5 शहरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा। ड्रोन सर्वे के माध्यम से इन शहरों में बनने वाली सुविधाएँ, यहाँ पर कितनी आबादी आने वाले समय में बनेगी, कहाँ पर वर्तमान में क्या है, कहाँ पर रोड बने हैं, कहाँ पर हाईवेज हैं, हाईवेज की दूरी कितनी है, कहाँ पर आबादी अधिकृत कॉलोनियों में बसी है, कहाँ पर गाँव से हटकर अवैध कॉलोनियाँ बसाने का काम किया जा रहा है, उन सभी पॉइंट्स को ड्रोन सर्वे के माध्यम से देखने का काम किया जाएगा। इन 5 शहरों की डेवलपमेंट की बात करें तो इन्हें हरियाणा सरकार HSIIDC विभाग द्वारा तैयार करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सरकार मिलकर एक नया भी विभाग तैयार कर सकती है जो स्पेशली इन 5 शहरों की डेवलपमेंट पर ही काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा गुरुग्राम, नोएडा की चकाचौंध के मध्य हरियाणा के दिल्ली से सटे कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें डेवलपमेंट 0 के बराबर है। वहाँ पर भी डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए और गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद की तर्ज पर इन शहरों को डेवलप करने के लिए इस प्रकार सरकार काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आने वाले समय में और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। आबादी के मामले में दिल्ली कुछ पिछले रिकॉर्ड्स को भी तोड़ने का काम करने वाली है। इसके लिए आसपास के शहर NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के तहत KMP से सटने वाले प्रत्येक शहर को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम होगा। और दूसरा सबसे बड़ा काम, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी
इसके साथ साथ में बिछाए जाने का काम किया जाएगा। यानी कि ये पांचों शहर एक दूसरे शहर से सड़क मार्ग और रेल मार्ग के माध्यम से भी कनेक्ट होने का काम करेंगे। इन पांचों शहरों के अंदर छोटे छोटे हवाई पट्टी या हेलीपैड बनाने का भी काम किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में आधुनिकता के युग में छोटे जहाज़ों और हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर के मध्य की दूरी चंद मिनटों के अंदर तय की जा सकेगी। इस प्रकार मांडोठी हवाई पट्टी, जो कि सापला मास्टर प्लान के अधीन आने वाली है, उसी के साथ साथ बात करें तो गुरुग्राम में स्थापित होने वाली हवाई पट्टी और जल्द ही सोनीपत और खरखोदा क्षेत्र को भी हवाई पट्टी की सौगात मिल सकती है। इस प्रकार पंचग्राम नीति के तहत डेवलप होने वाले शहरों में ड्रोन सर्वे द्वारा इन शहरों का खाका रिकॉर्ड दोबारा से तैयार करने का काम किया जाएगा। इन पांचों शहरों की अगर बात करें तो दिल्ली NCR सबसे बड़ा रीजन होने वाला है देश में, जो इतनी बड़ी आबादी को मेंटेन करने का काम करेंगे। और जल्द ही बात करें सोनीपत, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, सापला, गुरुग्राम और फरीदाबाद पलवल के एरियो की, तो यहाँ पर काफ़ी जल्द दिल्ली NCR की तर्ज पर यहाँ पर भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ग्रीन बेल्ट्स, खास करके पार्क्स और मल्टीनेशनल हब और नौकरियों का भी इन मास्टर प्लान्स के पांच शहरों में ध्यान रखा जाएगा। इन शहरों के नाम महाबर भारतकालीन तरीके से रखे जाएंगे। अलग अलग शहर और मास्टर प्लान को जोड़कर इन शहरों को डिज़ाइन या डेवलप करने का काम किया जाएगा। आने वाले समय में आपको खरखोदा, बहादुरगढ़, बादली और ये जो ग्रामीण इलाके से सटे शहर हैं, इन एरियाज में भी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर खास तौर पर बात करें साइबर सिक्योरिटी और पुलिस इत्यादि की सुविधा पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार का ही होता है। तो यहाँ पर उसके लिए भी खास प्रबंध किए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की दुविधा यहाँ पर रहने वाले लोगों को न हो। इसलिए इन पांचों शहरों की डेवलपमेंट में ये अलग अलग भूमिका निभाने का भी काम करेंगे, और पांचों शहरों के अंदर डेवलप होने वाला जो नया ढांचा होगा, उसे एक तरीके से फुल्ली सबसे पहले इंश्योर करके ही तैयार करने का काम किया जाएगा। पांचों शहरों के अंदर हर प्रकार की सुविधाएं और गरीब से लेकर उच्च वर्ग तक के रहने के लिए अलग अलग सुविधाओं को मेंटेन करने का भी काम किया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजी से काम कर रहे हैं। अब यह देखने का विषय होगा क्या ड्रोन सर्वे के बाद इन पांचों शहरों में अधिग्रहण होने वाली जमीन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो पांचों शहरों के अंदर जो भी जमीन अधिग्रहण की जाएगी, उस जमीन के रेट भी मानक रेट के अनुसार तय किए जाएंगे। मिनिमम से मिनिमम बात करें तो प्रति एकड़ 80 लाख रुपए से लेकर के 4 करोड़ प्रति एकड़ तक के रेट पंचग्राम नीति के तहत डेवलप होने वाले इन शहरों में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों को दिए जा सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।